नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ओमिपेप डीएसआर एक ब्रांड नेम है। ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन ओमेप्राजोल 20 mg और डोमपेरिडोन 30 mg होता है। ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल पेट में उत्पन्न होने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है। ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल का उपयोग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बदहजमी होने पर, खट्टी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर, पेट में अल्सर होने पर, उल्टी आने पर और उल्टी आने का मन होने पर ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल को डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है। जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वजह से पेट में जलन, पेट दर्द या पेट में अल्सर हो सकती है, इसलिए इन साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए भी डॉक्टर ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सलाह दे सकता है। ज्यादातर एंटीबायोटिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्ट्स में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं की वजह से ये साइड इफेक्ट्स ना हो, इसलिए आपका डॉक्टर ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल को एंटीबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल का उपयोग कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, एसिड रिफ्लक्स और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट दर्द होना, पेट से गैस निकलना, मुंह में सूखापन होना, सिर दर्द होना, शरीर की मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द होना, चक्कर आना व दस्त होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्ज की समस्या भी हो सकती है। लंबे समय तक ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल का सेवन करने से, यानी कई महीनों या कई सालों तक ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल को लेने से शरीर में विटामिन सी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल को 2 सप्ताह से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल को लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्डियां बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है। ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस तभी होता है जब ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल का सेवन लगातार 1 साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल को ले रहे हैं तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए और विटामिन डी के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनट सुबह की धूप में बैठना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल को दिन में 1 बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल को खाना खाने से कम 1 घंटे पहले लेना चाहिए। ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल की डोज उम्र,
शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका ओमिपेप डीएसआर कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।